हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल. दिस इज़ मानसरी तुरी. सो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे. सो जैसे कि आप जानते हैं, हम पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट स्टडीज़ पढ़ रहे थे. सो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट एंड कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन के बारे में. सो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट. सो बेसिकली जब बात होती है कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट की, तो ये किस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है? ये बात हो रही है इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट के कॉन्टेक्स्ट में. देखो, जब बात हो रही है यहाँ पे इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट की, किस चीज़ से रेफर कर रहा है? इंटरनेशनल पॉलिटिकल, लीगल, इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म जो कि स्टेट के पास अवेलेबल होती है, और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन जो है इसका इस्तेमाल किस चीज़ के लिए करती है? कॉन्फ्लिक्ट को मैनेज करने के लिए. ठीक है, सबसे ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट हो जाता है जब हम बात करें इंटरनेशनल लेवल पर कि किस तरीके से कॉन्फ्लिक्ट को मैनेज किया जाए और किस तरीके से रिजॉल्व उसका किया जाए. ठीक है, तो आज हम मेन इसी पर फोकस करने वाले हैं, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट और कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्यूशन पर. तो इसके लिए हमें सबसे पहले कुछ मेथड्स जानने होंगे, बट उससे पहले हमें इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट और कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्यूशन को समझना है. ठीक है, सो अब हम बात करते हैं इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट जो है वो होता क्या है. देखो, जब हम बात करते हैं इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट की, जब एक कंट्री दूसरी कंट्री से लड़ती है, मान लीजिए किसी रिसोर्सेज के लिए या डोमिनेंस के लिए, हिस्टोरिकल एनिमोसिटी के लिए, प्रेस्टिज के लिए, तो अलग अलग वजह से जो है वो कॉन्फ्लिक्ट होता है. हर जो कंट्री है, कोई भी देश आप ले लो, वो किसी ना किसी देश से उनका कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट चलता ही रहता है. इंडिया पाकिस्तान, इंडिया बांग्लादेश, इसी के साथ यूएसए चाइना, यूएसए और रशिया भी. जब हम बात करते हैं रशिया और यूएसए की, तो इनका कॉन्फ्लिक्ट बहुत पुराना है. ठीक है, तो जब से रशिया जो था यूएसएसआर था, तब से यूएसए और रशिया के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है. ठीक है, ये दोनों ही कंट्रीज़ के बीच में कॉन्फ्लिक्ट रहता है हमेशा, कोल्ड वॉर जैसे हमेशा से बना रहता है, बट आमने सामने ये दोनों ही कंट्रीज़ बहुत कम लड़ती है क्योंकि दोनों ही डेवलप्ड कंट्रीज़ है. और अगर ये आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट इन दोनों ही कंट्रीज़ में अगर होगा, तो दोनों का ही बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, और इकोनॉमी जो है इन्हीं दोनों कंट्रीज से ज़्यादातर चलती है. ठीक है, अगर हम रीसेंट वॉर की बात करें, रशिया और यूक्रेन की जब हम बात करते हैं, तो इनका वॉर क्यों हुआ था? बेसिकली सोवरेनिटी के लिए, अपने अपने देश की सोवरेनिटी के लिए दोनों ही कंट्रीज़ ने वॉर किया. मेन जो है रशिया ने वॉर क्यों छेड़ा था, ताकि यूक्रेन जो है वो नेटो का मेंबर ना बने, जिससे यूएस से रशिया को खतरा ना हो. अगर यूक्रेन नेटो का मेंबर बन जाता है, तो कोई भी अगर वॉर होता है, तो नेटो कंट्रीज़ को यूक्रेन की हेल्प करनी ही करनी पड़ेगी. ठीक है, तो इस वजह से क्या हो सकता है, यूएस जो है अटैक कर सकता है किसे? रशिया को, जिसकी वजह से रशिया ने जो है वॉर किया था. तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, इसकी वजह क्या है कि अपने अपनी कंट्री की सॉवरेनिटी जो है बनी रहे. ठीक है, डोमिनेंस की भी हम बात कर सकते हैं, जिसकी वजह से ये एक बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है जो आज तक चल रहा है और आगे भी ये रहेगा. तो ये एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट है, जिसको किस तरीके से रिजॉल्व किया जाएगा, किस किन मेथड्स के थ्रू इस चीज़ को मैनेज किया जा सकता है, इस पर सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट है डिबेट की जाती है. ठीक है, सो ये था इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट, जिसे हमने एक छोटे से एग्जांपल के थ्रू समझा, यूक्रेन और रशिया के वॉर के थ्रू. सो अब हम समझेंगे कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन होता क्या है. ओके सो जब हम बात करते हैं कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन की, सो इसे हम समझ सकते हैं एक डेफिनेशन के थ्रू, जो कि किसने दी है? गोल्डस्टाइन ने. ये एक वेस्टर्न फिलोसफर हैं. इनका क्या मानना है, जब हम किसी भी कॉन्फ्लिक्ट को सुलझाने के लिए पीसफुल स्ट्रैटेजीज बनाते हैं, और रादर देन आप कोई भी ऐसी स्ट्रैटेजी अपना रहे हो जहाँ पे वॉयलेंस ज़्यादा हो, ठीक है, आप जो पीसफुल स्ट्रैटेजीज बनाते हो, तब किसी भी कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व किया जा सकता है. ठीक है, तो कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन हम इस सिंपल डेफिनेशन के थ्रू समझ सकते हैं. यूजुअली जब हम बात करते हैं कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन की, ये कुछ भी न्यू नहीं है. ऐसा नहीं है कि मैकेनिज्म जो है इसका ये न्यू है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. जब हम यूएन चार्टर देखते हैं, यूएन चार्टर के जितने भी हम आर्टिकल्स देखते हैं, तो उसमें हम साफ देखते हैं कि जब यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बेसिकली इंटरनेशनल पीस की हमेशा से बात करती है, तो आर्टिकल 51 इसमें क्या कहता है कि किसी भी स्टेट में कोई भी वॉर होता है, किसी भी स्टेट के बीच में जो भी वॉर होते हैं, उसे पीसफुल सेटलमेंट डिस्प्यूट्स जो है होना चाहिए. आर्टिकल 51 ये कहता है, और हर एक कोशिश की जानी चाहिए जो कि कॉन्फ्लिक्ट को ख़त्म कर सके. ठीक है, इसके बाद कुछ मेथड्स हैं जो कि कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन के हैं. सबसे पहले हम देखेंगे डिप्लोमेटिक मेथड्स, जिसमें है नेगोसिएशन, गुड ऑफिसर्स एंड मेडिएशन एंड कंसिलिएशन. ये सारे जितने भी मेथड्स हैं, ये हम ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं. वीडियो का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन पे डाल दूंगी, आप वहाँ से विजिट कर सकते हैं. ठीक है, तो इसमें इतना ही था जो इम्पॉर्टेंट है कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन और कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट पर. इम्पॉर्टेंट आपको ये मेथड्स ही लिखने हैं जो कि मैंने प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस किए हुए हैं.
इसी के साथ करते हैं वीडियो को एंड। आई होप आपको ये लेक्चर वीडियो क्लियर हो गया हो। अगर आपका कोई भी डाउट है, क्वेश्चन है, सजेशन है तो आप मुझसे ज़रूर शेयर करें। इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।